हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। ऑब्टेन वी नॉट इन द सर्किट। वी नॉट की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वी नॉट एक वी एक्स। हमें केवल वी नॉट की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो कैसे करना है इसको। जब जब हमें किसी के अक्रॉस वोल्टेज गिविन हो, ठीक है, जब जब हमें किसी भी इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिविन हो, तो हमें क्या करना है, उस जल्दी से उसमें से बस करंट फ्लो करा दो। तो इसमें से करंट कैसे फ्लो होगी, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो इससे जो करंट फ्लो होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इस वी की वैल्यू है वी नॉट और आर की 2, ठीक है। तो इसमें वी नॉट बाई 2 एम्पियर, इतने एम्पियर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ऐसे ही यहाँ पे इसके अक्रॉस दे रखा, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, वी एक्स अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। ये वैसे ये एम्पियर में ही है, ये भी 2 vx भी, ये भी, ये भी। और कहाँ पे करंट फ्लो होगी, बस इतना ही। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वी नॉट बाई 2 यहाँ से फ्लो हो रही होगी, इस टाइप से जा रही है वी नॉट अपॉन 2। 2 vx इधर है, तो इस वाले नोट पर अगर मैं KCL लगाता हूँ, तो मैंने मान लिया टोटल ये करंट ऐसा आ रही है, तो ये दोनों करंट जा रही हैं, तो इन दोनों करंट के ये दोनों करंट जाने वाली करंट का सम आने वाली करंट के सम के इक्वल बराबर होगा। तो वी नॉट बाई 2 प्लस 2 vx के इक्वल होगा ये, ठीक है। ये जो करंट आ रही है तो इस वाली ब्रांच में वो कितनी होगी, वी नॉट बाई 2 प्लस 2 vx। ऐसे ही सिमिलरली कहाँ पे निकालेंगे, हमें यहाँ पता चल गया, यहाँ पर पता चल गया। हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नोट पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसमें ये आ रही है, ये जा रही है। यहाँ पे देखो, पहले 2 vx इधर आ रही है और vx इधर जा रही है, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 vx टोटल आ रही थी, vx इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, vx, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच में करंट आ चुकी है। अगर मैं इस वाले नोट पे KCL लगाता हूँ अगेन, ये vx आ रही है 3 at an angle of 0, ये भी आ रही है, और v नॉट बाई 2 प्लस 2 vx ये जा रही है। तो इस वाले नोट पर अगर मैं लगाऊंगा इसको, नोट को अगर मैं इसको नोट को मैंने कह दिया p, तो एट नोट p क्या होगा, एट नोट p क्या आएगा, तो कौन कौन सी करंट आ रही है, 3 at an angle of 0 प्लस vx, और जा कौन से रही है, v नॉट बाई 2 प्लस 2 vx, ठीक है। तो यहाँ से पहले वी नोट और वी एक्स में रिलेशन निकाल लो, तो क्या आएगा, वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसको मैं ये 3 हो जाएगा, और वी एक्स को मैं उधर लेगा, ये आ जाएगा इधर वी नोट बाई 2 इजिकल्स टू वी एक्स, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू आई है कितनी, 3 minus v0 by 2, ये इतना आ गया। इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू मैंने वी नॉट के टर्म में निकालनी है, मुझे केवल वी नॉट से की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, मुझे मैं क्या करता हूँ, KVL लगा रहा हूँ। KVL लगाना कैसे, ये ध्यान देना, मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे नहीं जा सकता, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता, ठीक है। ये इम्पिडेंस है, इससे करंट फ्लो हो रही है, तो मैं इसके अक्रॉस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे जाऊँगा, मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे गया मैं, ऐसे जाऊँगा, फिर क्या होगा, मैं इधर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं फाइंड कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें करंट भी पता है मुझे, वोल्टेज भी पता है, तो मैं इस वाले पाथ को फॉलो करूंगा, इस टाइप से आ जाऊंगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये पाथ की डायरेक्शन है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसा करके दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलना शुरू करो यहाँ से। यहाँ पहले कितना वोल्टेज मिला मुझे, -v0। अब देखो, मैं ऐसे चल रहा था लेकिन करंट ऐसा आ रही थी, तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वी नॉट बाई 2 प्लस 2 vx, इधर कितना इम्पिडेंस है, -j2। यहाँ पे देखो, करंट ऐसा आ रही थी, हम ऐसे जा रहे थे, अगेन माइनस, तो कितना आ जाएगा, vx j4, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या साइन मिला मुझे, vx पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो मेरा पूरा केवल लग चुका। अब जहाँ जहाँ वी एक्स है वहाँ पे मैं वी नोट 3 minus v0 by 2 रख दूंगा और वी नोट की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, -v0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल, j v0 प्लस
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो ये प्लस हो चुका है पहले ही, ये हो जाएगा जे फोर वी एक्स, इसकी इससे की तो ठीक है, अगेन इससे मल्टीप्लाई करो इसकी कितना आएगा, जे फोर वी एक्स प्लस वी एक्स इजिकल्स टू जूरो, तो जे फोर वी एक्स है ये कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस वी नॉट प्लस जे वी नॉट, और वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दो कितनी है, थ्री माइनस वी नॉट बाय टू इजिकल्स टू जीरो, ठीक है फ्रॉम वन, बस वी नॉट की वैल्यू के लिए सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री वी नॉट बाय टू प्लस जे वी नॉट प्लस थ्री इजिकल्स टू जीरो, ठीक है इस वाले पार्ट को इधर ले आओ उठा के, तो कितना आ जाएगा ये थ्री वी नॉट बाय टू माइनस जे वी नॉट इजिकल्स टू थ्री, है ना इतना आ गया, टू का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये सिक्स, मैं कॉमन ले रहा हूँ सिक्स टू जे टू वी नॉट इजिकल्स टू सिक्स आ जाएगा ये, ठीक है मैंने क्या करा बस टू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी नॉट इजिकल्स टू कितना आ जाएगा सिक्स अपॉन सिक्स माइनस जे टू, ठीक है इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मैंने टू से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ तो थ्री रहेगा, ठीक है छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ जे टू हो जाएगा, बस यहाँ पे थ्री रहेगा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको ऊपर ले गया थ्री प्लस जे टू को, ये हो जाएगा नीचे थ्री माइनस जे टू और थ्री प्लस जे टू, तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया सिक्स थ्री प्लस जे टू, नीचे कितना हो जाएगा नाइन प्लस फोर सिक्स अपॉन थर्टीन और थ्री प्लस जे फोर, अगर हमसे पोलर में पूछेगा तो इसको पोलर में चेंज कर दो, पोलर में कितना आएगा सिक्स, इन दोनों का रूट निकालो, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, ठीक है टेन इनवर्स फोर बाय सॉरी थ्री प्लस जे टू से मल्टीप्लाई किए मैंने, थ्री प्लस जे टू तो यहाँ पे टू बाय थ्री, तो कितना आ जाएगा ये, ये हो जाएगा सिक्स इंटू ये हो जाएगा नाइन प्लस फोर थर्टीन एट एन एंगल ऑफ टेन वर्स टू बाई थ्री की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, टेन वर्स टू डिवाइड बाई थ्री ये आ जाएगा 33.69 इतने डिग्री, और ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन रूट थर्टीन 33.69 डिग्री, और वी नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अगर मैं डिवाइड करूँ सिक्स डिवाइड बाई रूट थर्टीन ये आएगा 1.664 एट एन एंगल ऑफ 33.69 डिग्री इतने वोल्ट, ठीक है तो 1.66 एट एन एंगल ऑफ 33.69 वोल्ट इतना आंसर आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू, ठीक है यहाँ ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सिक्स या थ्री आता बस वही मिस्टेक थी, ठीक है तो वी नॉट की वैल्यू पूछी थी, अगर हमसे वी एक्स की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर बस वी नॉट की वैल्यू लगा देते वी एक्स की भी आ जाती, ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।